क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। कादर खान नहीं रहे, गरीबी में कादर खान ने झोपड़ी में दिन बताए, फिर 45 साल तक बॉलीवुड पर राज भी किया। उनके कुछ ऐसे ही किस्से हम आपको बताएंगे। हिंदी सिनेमा जगत में अपनी कॉमेडी के अंदाज से, अपनी कॉमेडी की राइटिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले कादर खान अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कादर खान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, उनकी हालत गंभीर थी। कादर खान फिल्मों का एक ऐसा हीरा है जिनकी अदाकारी की लिस्ट काफी लंबी है। कादर खान ने न केवल फिल्मों में एक्टिंग की बल्कि कई अभिनेताओं के लिए डायलॉग भी लिखे। चलिए आपको बताते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से। कादर खान ने पिता अब्दुल रहमान खान कंधार के थे तो माँ इकबाल बेगम पिशिनी की रहने वाली थी। कादर खान के जन्म से पहले उनका परिवार काबुल में रहता था, लेकिन तीन बड़े भाइयों की मौत के बाद कादर खान के माता पिता घबरा कर मुंबई आ गए। कादर खान का बचपन काफी गरीबी में बीता, यहाँ तक कि वो एक झोपड़ी में रहे। कहा जाता है कि पैरों में पहनने के लिए उनके पास चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। जब भी कादर खान की माँ उन्हें गंदे पैर देखती थी तो समझ जाती थी कि वो मस्जिद नहीं गए। कहा जाता है कि कादर खान के पहले ड्रामे में एक्टिंग देखकर एक बुजुर्ग ने उन्हें 100 रुपए का नोट दिया। कुछ साल तक तो कादर खान ने इस नोट को अपने पास रखा, लेकिन बाद में गरीबी की वजह से उसे खर्च कर दिया। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा कादर खान लेखक भी थे। उनका मानना था कि अच्छा लेखक बनने के लिए जिंदगी में बहुत सारे दुखों से गुजरना पड़ता है। कादर खान ने साल 1973 में पहली फिल्म दाग में काम किया। इस फिल्म में कादर खान वकील की भूमिका में थे। कहा जाता है कि कादर खान के कॉलेज ड्रामे में किए गए काम से दिलीप कुमार इतना इंप्रेस थे कि उन्होंने कादर खान को 2 फिल्मों सगीना और बैराग के लिए साइन कर लिया था। कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया, इसमें साथ ही करीब हिंदी और उर्दू में 250 फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। यहां तक कि राजेश खन्ना और मुमताज की साल 1974 में आई फिल्म रोटी के लिए कादर खान ने डायलॉग लिखे। इस काम के लिए कादर खान को 1,21,000 रुपए दिए गए थे। फिल्मों के अलावा कादर खान ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया। कादर खान एक कॉमेडी शो को लेकर आए जिसका नाम हंसना मत था। इस सीरियल में कादर खान के अलावा शगुफ्ता अली, अंजू महेंद्रू और हिमानी शिवपुरी भी थे। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों के अलावा कादर खान ने हिम्मत वाला, कुल्ली नंबर 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरी मांग, कर्मा, सरफरोश और धर्मवीर जैसी सुपर हिट फिल्में भी की। कादर खान आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में नजर आए थे। साल 2013 में कादर खान को फिल्मों में योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही कादर खान को बेस्ट कॉमेडियन और बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिल चुका है। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि कादर खान हीरोइनों से ज्यादा फेमस हो गए थे और दर्शक पोस्टर में उन्हें देखने के बाद ही फिल्म की टिकट खरीदते थे। कादर खान लंबे वक्त से सिनेमा जगत से दूर हैं और बेटे और बहू के साथ कनाडा में रहते थे। करीब 45 साल तक उन्होंने बॉलीवुड में राज किया। सोशल मीडिया पर कई बार कादर खान के निधन की अफवाहें उड़ी, लेकिन अब की बार ये अफवाह नहीं और वो हमारे बीच में नहीं है। तो बॉलीवुड में 45 साल तक राज करने वाले, कभी झोपड़ी में रहने वाले और पांव में चप्पल तक जिनके नसीब नहीं थी, वो कादर खान अब हमारे बीच नहीं है।